भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको टेंडर्स कैसे प्रॉपर वे से सर्च करते हैं उसके बारे में बताएंगे। टेंडर्स बहुत टाइम आप बोला जाता है कि टेंडर हिडन है, टेंडर मिल नहीं रहे हैं, वो हाइड करके रखा हुआ है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। टेंडर हम प्रॉपर वे से सर्च नहीं कर सकते, प्रॉपर वे से हम सर्च नहीं करते, इसलिए वो मुझे मिलता नहीं है। तो आज का हमारे वीडियो में टेंडर्स कैसे सर्च करना चाहिए और वो हिडन क्यों रहते हैं, आपको दिखते क्यों नहीं है, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। हमारे पास ऐसे दो टाइप के ट्रेनिंग्स भी है अलग अलग, आप उसको चाहे तो यहाँ पे आपके फोन नंबर दिए हुए, आप उस पर अटेंड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये जो पुणे में अपने ट्रेनिंग सेंटर है, चलिए हम टॉप वीडियो पे आते हैं। तो हमारा mahatenders.gov.in का साइट है, हम वो ओपन करते हैं। जैसे आप यहाँ पे किए, हमारे लिए सबसे इजी ऑप्शंस होता है सर्च करने का, वो है डायरेक्ट यहाँ पे टेंडर सर्च में हम अपना लोकेशन या फिर अपना काम का डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देते हैं। पर इससे आपको लगता है कि आपको सभी टेंडर्स मिल जाते हैं? नहीं, इससे आपको सभी टेंडर्स नहीं मिलते। हाँ, कुछ टेंडर्स तो जरूर मिल जाते पर इससे सभी टेंडर्स नहीं आते। जैसे मैंने अभी पुणे लोकेशन की ओर सर्च किया तो मुझे यहाँ पे देखिए 311 टेंडर्स दिख रहे। दैट मीन्स पुणे पूरे लोकेशन में सिर्फ 311 टेंडर, ये नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा टेंडर्स होंगे पुणे में। मैं देखो इसके लिए आपको दिखाता हूँ जो सबको लगता है। तो मैं टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, दूसरा टेंडर सर्च करने का प्रोसेस है ये। यहाँ पे देखिए आरडीडी, पहले आरडीडी मतलब आपका जेडपी का जो टेंडर आते हैं, तो जेडपी में हम पुणे में देखते हैं। तो जेडपी पुणे में देखिए यहाँ पे 208 टेंडर्स है, 208 सिर्फ जेडपी में 208 है और पुणे पूरे एरिया में हमको 311 मिला था। अभी इसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सभी चीजें और भी जितने डिपार्टमेंट है ये अभी है। दूसरा देखते हैं और एक सर्च करने का, हम अभी पीडब्ल्यूडी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी पुणे का ले लेता हूँ, पब्लिक वर्क रीजन पुणे बोल के है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में। और यहाँ पे कैप्चा डाल के हम इसको सर्च करते हैं अभी फिलहाल। सर्च कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो टेंडर्स आ रहे वो टोटल टेंडर्स 500 से ऊपर है। अभी ये 16 नंबर पेज है जो 320 टेंडर दिखा रहा है, हर पेज में 20-20 टेंडर्स है। 326 टेंडर है यहाँ पे टोटल, पीडब्ल्यूडी के अकेले 326 है, प्लस जेडपी के थे आपका 218, मतलब अप्रोक्सीमेटली 550 टेंडर्स हो जाते हैं। और मुझे पूना से सर्च किया था तो मुझे सिर्फ 318 या 308 टेंडर दिख रहे। तो हम लोकेशन वाइज यदि हम ऐसे ही आप प्रॉपर वे से सर्च कर रहे हैं जो वहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर रहे, डेट मीन हम कहीं गलत कर। तो हमारे लिए सबसे प्रॉपर है टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन से सर्च कर। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे टेंडर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पे एक एक दो दो क्वांटिटी है या 10-20 तक है, हम वहाँ पे इजिली अपना टेंडर सर्च कर सकते हैं। पर कुछ कुछ जैसे अभी पीडब्ल्यूडी की पुणे की बात कराए, वहां पे 500 टेंडर है, तो हम आपका जो टेंडर आप जो भरने वाले उसको आप कैसे सर्च करेंगे? यहाँ पे टेंडर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप जितना लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करते हैं आपको टेंडर दिख जाता है। इसके लिए बेटर ऑप्शन है हम एडवांस सर्च में जाएंगे, ओपन टेंडर। यहाँ पे मोर टू मोर फिल्टर कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से हम टेंडर को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले ऑर्गेनाइजेशन वाइज लेता हूँ, यदि हम जेडपी की बात करते हैं जहाँ पे अपना 328 या कुछ टेंडर थे, तो हम यहाँ पे पूना ले लिया। उसके नीचे हम डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, जो मुझे पता है उसके अंदर डिपार्टमेंट कौन सा है, तो हम वो डिपार्टमेंट डाल सकते हैं। जैसे पब्लिक वर्क डिवीजन पुणे हमने डाल दिया। और यहाँ पे अलग अलग है वर्क आइटम, यदि मुझे उस आइटम के बारे में पता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन हाउस हाउसिंग या फिर दूसरा कुछ टेंडर कैटेगरी है वर्क का है तो वर्क डाल सकते हैं। गुड्स है तो गुड्स, सर्विसेज है तो सर्विसेज। पेमेंट मोड आपको पता है तो पेमेंट मोड से फिल्टर कर सकते हैं, ज्यादातर ये जरूरत नहीं होता क्योंकि ज्यादातर टेंडर ऑनलाइन होते हैं। यहाँ पे यदि आपको EMD टेंडर फीस वगैरह के पता है, प्रोसेसिंग फीस के बारे में पता है, तो आप यहाँ से भी उसको थोड़ा फिल्टर लगा सकते हैं ताकि टेंडर का जो क्वांटिटी है वो आपका कम हो जाए। जो आपको 300 थे वो आपको हो सकता है 200 हो जाए, 200 से और फिल्टर लगा सकते हैं आप। डेट क्राइटेरिया, कभी टेंडर पब्लिश हुआ, ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ से वो भी आप डेट के अकॉर्डिंगली, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। तो ये आपका एक एडवांस फिल्टर मोड है जहाँ से आप टेंडर इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, हम यहाँ पे उसका कैप्चा को डालेंगे
और टेंडर को सर्च कर देंगे। तो देखिए हमारा फिल्टर जो है पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फिल्टर लगाया, दो बेसिकली फिल्टर लगाए, तो यहाँ पे जो मेरा अप्रोक्सीमेटली 200 समथिंग टेंडर था उसके जगह सिर्फ 61 टेंडर हो गया, मतलब दो ही फिल्टर्स में। तो टेंडर्स अभी काफ़ी कम हो गए, और मैं हम अमाउंट वाइज पब्लिसिंग वाइज और हम फिल्टर लगाते थे तो शायद और टेंडर कम हो जाते थे, तो 10-15-20 में हो जाता था, जिससे हमको टेंडर मेरा जो है मेरा ही टेंडर मुझे मिलने में ईजी हो जाएगा। इसको एडवांस सर्च बोलते हैं, जहाँ पे मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो कोई एक दो भी फिल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी टेंडर मिलेंगे, जो भी टेंडर पब्लिश हुआ है, आपको सब टेंडर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई टेंडर आपको हाइड रहेगा। यदि आपका हाइड रहने का एक ही है कि हम वहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते थे, डायरेक्ट सर्च किया तो आपको बहुत टाइम टेंडर नहीं मिलते। हम नेक्स्ट और एक वीडियो बनाने वाले इसके ऊपर, टेंडर के ऊपर, जिसमें टेंडर इन्फॉर्मेशन, टेंडर होता क्या है, कैसा लिखा रहता है, सभी चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊंगा टेंडर कैसे हाइड कर देता है, कैसे सभी चीज़ आपको मिलता नहीं है। हम यहाँ लोकेशन वाइज भी आपको और एक दिखा रहा हूँ, जो सर्च करके लोकेशन वाइज टेंडर क्यों सर्च नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मजेस्टिक में आप सर्च कर सकते हैं, पर टेंडर सभी टेंडर नहीं मिलते, आपके इजी होता है थोड़ा। तो मैंने पूना बोल के टेंडर सर्च किया था, और यहाँ पे टोटल पुणे के लिए देखिए अभी आप कितना टेंडर है, टोटल पुणे के लिए सिर्फ 137 टेंडर है, जो जेडपी, सिर्फ जेडपी का टेंडर से भी कम है। दैट मीन्स कहीं पर कहा नहीं, पुणे का जो टेंडर है मुझे हर टेंडर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट टाइम टेंडर का इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे टेंडर का ईएमडी और एग्जम्पशन आपको कब मिलता है, और टेंडर का जो इन्फॉर्मेशन होता है डाउनलोड कर, ये सभी चीजें टेंडर का पूरे सभी टेंडर के सब इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। यदि आपका टेंडर दोनों वे से नहीं मिला तो हो सकता है वो टेंडर रीटेंडर हो या कैंसिल हो जाए, तो आपको वहां पर भी ऑप्शन है टेंडर रीटेंडर या कैंसिल टेंडर आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर रीटेंडर के ले लिया और इसको कैप्चा डाल दिया। यहाँ ज्यादा नहीं, 50 से 150-200 तक टेंडर होते हैं नॉर्मल केस में, तो वहां पे आपको सभी रीटेंडर और कैंसिल टेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 100 टेंडर्स है जो रीटेंडर अभी रिसेंट हुए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि आपको दोनों जगह पे नहीं मिला तो शायद वो रीटेंडर में गया होगा या कैंसल्ड हुआ होगा, आप दोनों से ऐसे करके सर्च करके देख सकते हैं, जो कहीं आपका टेंडर फिर से रीटेंडर के लिए तो नहीं हो गया होगा।